राहुल गांधी पर एक डिफेमेशन केस में सजा के आधार हुआ है। राहुल गांधी के कोर्ट का फैसला आया है, आपको क्या करना? देख, कोर्ट के निर्णय पे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देश में क्या माहौल है ये सब लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं। बार बार लालू जी कई बार, अभी से नहीं 2014 से ही कह रहे हैं कि यहाँ घोषित इमरजेंसी नहीं, अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। गैर भाजपाई नेताओं को या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है, तो षड्यंत्र रच के किसी ना किसी तरीके से कार्रवाई करवाई जाती है। और ये साफ तौर पे जो हुआ है, इस फैसले पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देश का हर एक एक व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम इतना जरूर कहेंगे कि विपक्ष के सभी लोग, कांग्रेस के सभी साथी, सभी रीजनल पार्टी, जो भी इनके वैचारिक विरोधी हैं, सभी लोगों को देर नहीं करना चाहिए, एक हो करके मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये एक्शन ये भी दिखाता है कि मोदी जी इज नर्वस, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट 2024 जनरल इलेक्शन, उसलिए इस तरह की कार्रवाई सभी विपक्षी नेताओं पर। कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने कुछ कहा, सभी लोगों का हम लोगों ने बयान देखा है, आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ जो हो रहा है। कुछ दिन और ये रह लेंगे तो लोकतंत्र, संविधान सब खत्म कर देंगे। गांधी जी के विचार को खत्म करना चाहते हैं, अंबेडकर के विचार को खत्म करना चाहते हैं ये, और पूरी तरीके से नोटबंदी तो लाया गया था, लेकिन क्या हुआ सबको पता है, कितना बड़ा स्कैम था नोटबंदी। अब ये दोबारा अगर आएंगे तो गांधी जी की जगह नोट पे इनका तस्वीर छपेगा। तो सभी लोग जो है, आज तो शहादत दिवस भी है, आज हम लोग भी सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी भगत सिंह के यहाँ के मूर्ति पर, प्रतिमा पर हम लोगों ने फूल चढ़ाए। लेकिन इस तरह का अगर काम हो रहा है तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। लाइव हमारा चला गया, मेरा भी लाइव चला गया। इन्हीं को क्वेश्चन करना चाहिए था, इन्हीं को आंसर देना चाहिए था, इन्हीं को सजा मुकर्रर करनी चाहिए थी, क्योंकि जब से भाजपा सरकार में आई है सारे स्तंभों के जो काम है वो खुद ही इन्होंने संभाल लिए हैं। तो मैं तो सिर्फ उनसे इतना प्रश्न करूंगी कि कभी अपने सांसदों के अंदर तो झांकिए, कभी अपने भाषण भी तो सुनिए। हम लोगों का बड़ा दिल है और हम लोगों को मालूम है कि ये राजनीतिक भाषण होते हैं। अगर कांग्रेस ने शुरू किया आपके भाषणों को कोर्ट में ले जाना, तो रात दिन 24 घंटे आपको नींद नहीं आएगी।